क رحمه الله وبرکاتہ গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং হোয়ারেভার ইউ আর নাইম মুসতাক হ্যায় আর আজ ম্যায় ম্যাম আয়েশা কামাল কে সাথ উনকে ঘর পে উনকে স্টুডিও মে হু বেসিক্যালি ঘর মে ই স্টুডিও উনহোনে বনায়া হ্যায় তো ইনসে मुलाकात मेरी ফেসবুক পে হভি ম্যায় আপকা বিবিসি কা ইন্টারভিউ দেখা আর সবসে খাস বাত জো থি কে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি বহুত শاندار থি তো ফির ম্যায়নে ইনসে রাবতা কিয়া ম্যায়নে ক আমারা কবী লাহোর চক্কর লাগা তো ম্যায় মিলনা চাউঙ্গা আর ম্যায় চাউঙ্গা আপকে সাথ থোড়া সা ম্যায় डिस्कशन अपने चैनल के लिए भी रिकॉर्ड करूं मेरे लिए भी एजाज़ हो जाएगा तो आज मैं इनके साथ हूं और हमारा मैम ये फॉर्मेट ही होता है गुफ्तु के अंदाज़ में कन्वर्सेशनल स्टाइल ये चूंकि मेरा अपना चैनल है तो इसमें कमर्शलिज़म नहीं होता सिर्फ यह है कि घर में बैठ के जैसे दो चाय की प्याले पर गुफ्तु कर लेते हैं बस उसी तरह है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दो ऑप्शन होते हैं एक तो मैं आपके साथ बैठ के यहीं बात कर लूँ और एक मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँ तो मैं अब सोच रहा हूँ मैं कैमरे के पीछे चला जाऊंगा ताकि आप डायरेक्टली मैडम से बात भी कर लीजिए और साथ में जो खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये भी देख लीजिएगा आप तो आ, बस सवाल कोई नहीं है आ, बस वही है जो मेरे दिल में बात है वो मैं पूछूँगा आपसे और फिर इनशाला आपसे तो मैं अब कैमरे के पीछे चलता हूँ तो आपसे बात होती है अच्छा मैम आयशा आप सबसे पहले तो ये बताइए ना ये जो खताती का जो शौक है ये आपकी जिंदगी में आया कैसे इब्तदा कैसे हुई एक रस्मी सा सवाल है बट इससे लोगों को ये जानने में मदद मिल जाएगी कि आपकी जिंदगी में ये फन कैसे एंटर जी सबसे पहले तो बचपन से ही जब स्कूल जाने से भी पहले जब छोटे होते हैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करते सबसे पहले तो जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं कुरान पाक पढ़ती गई दो सपारे पढ़े तो उसके बाद मुझे वो कुरान पाक के अल्फाज हवा में नजर आते थे मुझे जी तो फिर मेरा दिल कर हवा में लिखने की उनको कोशिश करती थी तो, जब मैं, मैं छोटी थी। छोटी थी, थी थी। जी तो इस तरह लिखते लिखते फिर मैं उसको पेपर पे लिखना शुरू किया तो तब से ये बहुत पहले बचपन से ही मुझे ये शौक माशाल्लाह माशाल्लाह अब मैं आपकी वो पेंटिंग देख रहा था कि जो मैंने गौर किया कि अब मैं चूंकि इस फन से वाकिफ नहीं हूँ बट एक आ, कह लीजिए शौक रखने वाला देखने का शौक़ रखने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि आपकी एक पेंटिंग मिसाल के तौर पे उसमें कैलीग्राफी भी है जी उसमें पेंटिंग का एलिमेंट भी है जी फिर उसमें डायग्राम्स भी हैं कोई गो, गोल दायरे भी हैं तो मैं फील करता हूँ कि जिस तरह पाँच छः मुख्तल फ़नून हैं जिनको जमा करके आपकी एक पेंटिंग बनती है जी नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना कि कैलीग्राफी तो वो एक फ़न आता है जिसमें आप लफ्जों को बनाना सीखते हैं जी बिल्कुल फिर, तो फिर उसमें एक पेंटिंग का एलिमेंट है तो ये मुख्तुपनून आपने मुख्तलि स्टेज में कैसे सीखे और अब जब आप बनाती हैं कैलीग्राफी तो कितने मराहल से गुजरते हैं वो सारी चीज़ें जी इस सब से पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो तब तो ज़ाहिर सिर्फ़ जो अल्फाज थे उनको ही अच्छा लिखने की कोशिश करती थी फिर उसके बाद मुझे मिनिएचर का जो उसमें वो करना शुरू किया फिर उसके बाद मुझे कलर्स या लड़कियों को शायद ज़्यादा ही वो कलर्स का होता है ना तो फिर उसमें मैंने इसको इसमें मॉडर्न कैलीग्राफी को भी ऐड किया okay. जैसे एक कोई एक खत होता है ना तो उसको जब एक आर्टिस्ट लिखता है तो उस उस ख़त में वो अपना ही उसका स्टाइल आ जाता है ठीक okay, है? है तो मैंने ज्यादा ये खत शिकस्ता और खतम अच्छा। इसको ऐड किया और इसको मॉडर्न स्टाइल में इसको कैलीग्राफी को किया जो आप अपना जाती टच जी उसको कंपोज किया

जी मगर इनमें मैंने देखा कि कंट्रास्ट और शार्पनर्स ऐसे है जैसे चमक रहे हो कलर जी बिल्कुल ये ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं कभी खराब नहीं होते नहीं होते जी अच्छा इसमें ये बताइए कि ये जो आप खत बन खत इसमें डेवलप करती हैं आपने बताया है, दो खतूत हैं जिस पे आपने काम किया हुआ है इसके अलावा भी आ... जी इसके अलावा भी सारे खत मुझे तकरीबन

आ, मश्क से क्या मुराद है? चार जिस तरह काम किया ना हाँ। उसमें मैंने टाइम तो कभी देखा ही नहीं मुझे टाइम का तो पता भी नहीं चलता नहीं। मैंने इतना काम किया है कि जब सुबह की अजान होती थी तो मुझे पता चलता था कि हाँ अब अजान हो रही है हो तो टाइम का तो मुझे कभी मैंने वो देखा ही नहीं कि हाँ मैंने चार घंटे करनी है या पाँच घंटे यानी आप तो, एक तरह से वो फन आपको अपने अंदर इस तरह लेता है कि कि आपको होश नहीं रहता दिन है रात है क्या है बस वो काम है है।, है और उसके अंदर है। जी, तो ये आ, आप कभी फील करती हैं कि ये जो आप तजर्बा बता रही है आमतौर पे आम यानी कह लीजिए बड़ा खास तजर्बा होता है या बड़ी खास कैफियत होती है तो कभी काम के दौरान कोई रूहानी तजर्बा भी हो जी बिल्कुल ऐसे तो होता है तो ये जो फीलिंग्स होती है ना ये हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में हुँ। ये मैं आपको कैसे जैसे कोई पेंटिंग है मैं उसके बारे में तो बता सकती हूँ तो शायद के एक जो आर्टिस्ट होता है उसको उतना वो बो बोल नहीं सकता उस तरह से जो वो महसूस करता है ठीक है ना तो वो उस तरह तो मैं नहीं कर बयान कर सकती लेकिन जो मुझे टाइम का एहसास नहीं होता तो ये मुझे अपने काम में बहुत ज़्यादा जुनून और पैशन ऐसे है तो इसलिए है नहीं। और मैंने जब काम किया जब करना शुरू किया था और अभी तक मतलब कि तीन साल पहले तक मैं सिर्फ काम कर रही थी इससे मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना रिस्क मिलेगा इतनी शोहरत मिलेगी ऐसे नहीं सोचा था ये तो अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया ये दे तो खुद ही नाम आ गया ना आपका तो ये था कि काम के जरिए आप अल्लाह की जात में मगन हो गए जी इस्लाम में मगन हो गए तो उसका ये बाई प्रोडक्ट कह लें आप इसको के एक साइड से अल्लाह पाक ने रहमत का नज़ूल शुरू कर दिया अच्छा इसमें आपका जो क्योंकि okay. ये काम या ये जुनून तब तक, तक नहीं हो पाता जब तक घर में माहौल ऐसा ना हो वालदेन की सपोर्ट ना हो घर में माहौल ऐसा ना हो जी, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पेरेंट्स की आपकी सपोर्ट कैसी थी और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी जो वालदेन देख रहे हैं या बच्चियाँ देख रही हैं जो इस फन में आना चाहती हैं तो इस हवाले से उनको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए जी शुरू में तो देखें शुरू में तो नहीं उनको समझ आती थी क्या अम्मी भी कहती थी कि कैसे ये हवा में लिखती रहती है तो ये क्या करती हो तो लेकिन जैसे जैसे मेरे काम जब मैंने लिखा तो इतना अच्छा था कि लोग भी पसंद करते थे वो कहते हाँ ठीक है कि मतलब शुक्र है कि उन्होंने समझा सपोर्ट किया

मुझे बल्कि मैं इतनी कंपोजिशन मेरे दिमाग में चल रही होती है मेरा दिल करता है मैं रोज़ कोई नई कंपोजिशन नई कोई पेंटिंग बनाऊं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स इतने होते हैं और एग्जिबिशन अपकमिंग इतनी है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता अभी तक तो, का एग्जिबिशन एग्जिबिशन काफ़ी कंट्रीज में हो चुकी हैं तो रिसेंटली अभी दुबई में हुई है पहले जब यूरोप में हुई हैं तो तब मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फिर आ गया तो अभी दोबारा यूएसए में और यूके में दोबारा मैं यूरोप जा रही हूँ जी जी बेलारूस में उधर कैसा रिस्पॉन्स उधर बहुत अच्छा Hmm. बहुत अच्छा मुझे जो होता है ना एक आर्टिस्ट जो चाहता है hmm. कि जिस तरह उसके काम को देखा hmm. जाए सराहा जाए hmm. जो रिस्पेक्ट मिले hmm. वो लोग उस चीज को बहुत समझते हैं hmm. आर्टिस्ट hmm. को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बहुत hmm. वैल्यू देते हैं hmm. Hmm. कि बहुत अच्छा लगता है इसमें आप ये फील करती हैं एक है ना आपका आर्टिस्टिक डिस्प्ले है कि लोग आपको आर्टिस्ट के हवाले से जानते हैं जी तो आपका जो काम है जिस जिस प्लेटफॉर्म से आप अपना आर्ट डिस्प्ले करते हैं वो है इस्लाम जी तो कभी ऐसा फ़ील हुआ या फीडबैक मिला कि आपकी पेंटिंग्स को देख के आपके काम को देख के लोगों ने आपको अपने तसरत दिए हों कि उनका इस्लाम के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है ज़्यादा मोहब्बत में इजाफा हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ऐसे वाक़ होते हैं कि जिनसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि जैसे देखें जो मुस्लिम नहीं भी हैं वो भी मेरे आर्ट के साथ कनेक्शन फील करते हैं कनेक्ट होते हैं ठीक है उनको भी अच्छा लगता है और भी बहुत बहुत कुछ यानी कि कभी ऐसा होता है कि उनकी बातें सुन के ऐसी रूहानी खुशी महसूस हुई हो कि आपने जितनी मेहनत की है उसका फल मिल गया आपको मैं कह रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी मिलती है ऐसे ऐसे लोग मैसेज करते हैं कि मतलब मुझे देखें वो तो खरीद रहे होते हैं ना उस चीज़ का हदिया भी दे रहे होते हैं लेकिन जो दुआएं और जो वो मेरे काम को इबादत बोलते हैं मुझे इस रिस्पेक्ट को देख के सब कुछ इतनी खुशी होती है कि मैं रोने लग जाती हूँ जब रात को काम कर रही होती हूँ ना पहले तो शायद मैं इस दुख में भी रोती थी स्टार्ट में कि मुझे गैलरीज वाले पाकिस्तान में बहुत वो करते थे कि नहीं आप कैलीग्राफी के अलावा हट के भी काम करें क्योंकि आपके हाथ में इतना कंट्रोल है आप ये भी कर सकती हैं ये भी तो मैंने इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो अब वही आंसू जो है खुशी के और शुक्र के होते हैं मुख्तलिफ कुरानी आयात के ऊपर आपने काम किया हुआ है। सबसे ज्यादा वो कौन सी आयत थी जिसपे काम करने का लुत्फ यानी कि अजीब सा था कैफियत सरूर कह लीजिए आप इसको या कोई ऐसा तजर्बा जिसपे उस खास आयत ने आपको इतना ज्यादा अटैच किया हो अपने साथ कि वो बाकी वैसे तो सारा कुरान पाक की हर आयत की अपनी शान है बिल्कुल बेशक खास ऐसी आयत जिससे आप खास तौर पे अटैच हो गई हो دعانے पेंटिंग सूरह रहमान सूरह रहमान जी क्योंकि फाबीए ये आला ए रबी कुमातु कजीवन तो ये जुमले तो। को आप पिक कर लिया यानी कि जो ने आपको पकड़ लिया बिल्कुल बेशक और अभी जो आपकी लाइफ में आपको रिस्पांस मिल रहा है वो इस आयत की अमली तफसीर ही है बेशक बेशक देखे पाकिस्तान में यहाँ पे जब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो गुजर गए उसके बाद उनको उनका नाम हुआ ठीक है तो मुझ पे तो ये मैं तो जितना भी शुक्र अदा कम है, कि मुझे इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने इतना कुछ अदा कर दिया एक मुझे बात बताइए अभी जब मैं आपका इंटरव्यू करने लगा था तो आपने ये अपना मास्क ले लिया जी तो आपने कहा कि आपको इजाजत नहीं है चेहरे को डिस्प्ले करने की जी तो आम तौर पे जब इंसान इतना पॉपुलर हो जाए इतना अच्छा रिस्पांस आए तो अक्सर और बेशर वो अपने दायरे से बाहर भी निकल जाता है या पटरी से उतर जाता है मगर आपका मैंने अभी तक जो महसूस किया है कि अल्लाह ताला ने आपको खास एक आपने अपने आप को एक वैल्यूज के दायरे में बंद करके रखा हुआ है ताकि आप इस काम को करते करते इसके तकदस के दायरे के अंदर ही रहें तो ये जो बाज़ का सोशल प्रेशर होता है और एक आपका अपना एथिकल स्टैंड है इसके दरमियान कभी जंग होती है तो कैसे मैनेज करती हैं आप बहुत कुछ मैंने इसमें देखा है मतलब काफ़ी चैनल्स के साथ मेरी ऐसे भी हो गई अनपन कि मैंने उनके साथ मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ अच्छा। इस वजह से काफ़ी मुझे काफ़ी ऑफर्स भी आए कि आप हमारे चैनल के साथ चाहे रोज अटैच हो जाएं ये, ये, ये करें वो करें लेकिन मैंने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया ना करूँगी क्योंकि मुझे मेरी शनाख्त अल्लाह ताला ने मुझे मेरी पेंटिंग्स दी है तो मेरे लिए ये काफ़ी है सब चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो जाना है कितने मुझे कोई शौक नहीं है समझ अलहमदुल्ला आपका जो एहसास है कि आप किसी जात के साथ कनेक्टेड हैं जी यही बहुत बड़ा इनाम है जी बिल्कुल मैं इसका शुक्र अदा करती रहूं वही मैं कहती हूं कि मेरे लिए ये जिंदगी कम है तो ये बताइए जब मैंने मैं जब मैं आप अपना तजर्बा एक बताता हूँ जब आप अल्लाह की ज़ात में बहुत बिजी हो जाए तो वो आपको हजूर सलातम की ज़ात से मोहब्बत इनाम के तौर पर अता करता है जी। और जब आप हजरत सलातम की सीरत तयबा ते या आपकी ज़ात जे मसरूफ हो जाए किसी काम में जी। तो वहाँ से आपको अल्लाह तला की मोहब्बत जो है अता मिलती है अब आपके काम में ज्यादा फोकस कलाम में लाही का है जी। तो ये नमत तब तक नहीं मिलती जब तक इंसान हजूर सलातम की बारगाह में बड़ा कनेक्टेड ना हो नेमत वहीं से मिलती है तो इस्लाम की जाते के हवाले से आपको अपना को कोई ऐसी बात बताएं जिसने आपके के को जिला आ, मुश्किल सवाल तो नहीं कर रहा मैं, नहीं, 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 <laughs> <laughs> मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे, मुझे, अच्छे मुझे लगते नहीं देखिये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ठीक है तो उसमें ये है कि देखें मुझे इस तरह फील होता है मुझे इस तरह के ख़्वाब नज़र आते हैं कि मैं ये देखती हूँ अब ये ये नहीं कि मैं इस काम करने से ये मैं शुरू से बचपन से ही देख रही हूँ कि मुझे ऐसी नज़र आता है कि वो गलियाँ ठीक है और मुझे वो उनके जाने का क्या हम आ, मुझे ऐसे आवाज़ें आती हैं कि हजूर सल्लम यहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा फील होता है लेकिन आज तक मुझे उस मुकाम तक मैं नहीं पहुंची कि मैं उनकी जियारत कर सकूं या कुछ ऐसा अभी तक मगर ख्वाबों के जरिए एक ताल्लुक नुमाया हो जाता है कि उनकी नजर क्रम में है आप। जी और ये काम उनकी नज़र करम में आए बगैर मुमकिन नहीं है।, जी, है और जो आपने इस काम के साथ साथ पर्दे की एक वैल्यू को मेंटेन किया हुआ है तो ये उधर से इतनी आपको सपोर्ट मिलती है तो आप इस पे साबित खत्म है अभी तक वरना जो कहते हैं ना पैसा शोहरत ये ऐसी चीज़ होती है, नमतें भी हैं आजमाइशें भी हैं तो आज, नेमत को आजमाइश में नाम बदलने देना कि अल्लाह तला का बड़ा करम और फजल होता है जो ठीक नहीं होगा अब ये बताइए कोई नए जानने वाले जो है जो इस काम में एंटर होना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे एक तो है काम की टेक्निकलिटीज़ कि आप ये काम कर लें ये ब्रश ले लें ये कलर ना इस्तेमाल करें मैं चाहता हूँ शख्सियत साजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस इस काम में आए तो माइंड में या शख्सियत में क्या चीज़ मद्दनज़र रखें वो मेंटेन रखें तो इस काम में ख़ुद ब खुद बरकत पड़ जाती देखें सबसे पहले जो मैं इतना बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकती मुझ पे जो गुजरी मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ कि देखें इस काम को इस काम में बहुत ज़्यादा खो जाएं ठीक है ये नहीं सोचें कि मेरी पेंटिंग मैं बना रही हूँ इतनी मेहनत कर रही हूँ सेल होगी नहीं होगी लोग ख़रीदेंगे कि नहीं।, नहीं वो जो है ना उसका जो रिवॉर्ड वो अल्लाह पे छोड़ दे आपने मेहनत करनी है ठीक है, है ना और यहाँ पे बस पाकिस्तान में ये है कि लड़कियों को इस बात पे भी ना बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं कि जो मैं बता नहीं सकती ना बहुत कुछ सुनना पड़ता है मैंने क्योंकि गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं ठीक है, है? उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल आई है तो खाती हमारे मुशरे में घर से बाहर कदम निकालना वैसे ही वायसे होता है जी और अगर किसी काम में वो पॉपुलर हो जाए जी तो वो पॉपुलैरिटी भी लोग बाज का मिस यूज करते हैं जी क्योंकि अगर 99 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें पॉजिटिव ही रिस्पांस और दुआएं और इज्जत सब कुछ मिला है लेकिन कहीं ना कहीं वन परसेंट भी जो वो होता है ना, ना।, ना।, ना। लोग करते हैं फिर भी कुछ ना, ना कुछ कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर देते हैं कि क्यों एक लड़की आगे क्यों जा रही है तो वो तो होता 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 है है वो तो होता ही, वो तो होता ही तो आप कहना चाह रही हैं कि जो खबर जो नए लोग आए वो मेल है फीमेल है वो काम की डेडिकेशन पे लग जाए और आगे क्या होगा उसको अल्लाह पे छोड़ दें पहले अपना काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें जी, और उसके बाद उस जिम्मेदारी में आगे उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है या पब्लिसिटी है या उसको आगे लेके चलना है उसको अल्लाह पे छोड़ दे बिल्कुल देखे जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं एक इंसान है ना वो इतना सोच सकता है ठीक है मैं सोचती थी काश मेरी उधर एग्जीबिशन हो जाए काश ये हो जाए ठीक है हम इतना सा सोचते हम्म। लेकिन अगर हम अल्लाह पे छोड़े तो अल्लाह ताला हमें इतना नवाजते मैंने ये नहीं सोचा मैंने तो सोचा ही नहीं था ठीक है ये सब ये है। तो सब कुछ एक साथ मिल जाएगा मैं तो तो सिर्फ इतना सा सोच रही थी तो इस बात पे यकीन होना बहुत जरूरी है यानी तबीयत में मलंग होना चाहिए आप आ, बिल्कुल मलंग होता ही है जिसका सारा कुछ अल्लाह पे होता है जी जिधर अल्लाह ले जाए उधर ही चल पड़ता है बिल्कुल और अपने आप को चौकस भी रहता है कहीं शैतान दरमियान में आके अपने सफर को डिस्टर्ब ना करे तो, वो तो। बहुत कुछ होता हाँ, है इधर से उधर से ऐसी ऑफर्स आएंगी हम कंपनी बना देते हैं आपके लिए ये वो बहुत बड़े बड़े लोग आपको कांटेक्ट करेंगे सब कुछ लेकिन वो ही वक्त होता है कि जब आपने और ऐसे बंदे को अल्लाह तला ने ना संभाल के इस तरह रखा होता है कि उसके डिसीजन भी उसी के पास होते हैं जो मर्जी आदमी अगला जो है आने वाला जो मर्जी आपको ऑफर्स दिखाए जो कुछ करे वो जिसने डिसीजन लेना ना जी। उसका जब अल्लाह ने अपने हाथ में डिसीजन रखा हो ना तो उसे डिसीजन भी नहीं होने देता वो जहाँ खैर होगी वहीं डिसीजन हो जाएगा ऐसे ही होता देल्कुर ना देल्कुर है। तो थैंक यू वेरी मच आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह तला आपको सलामत रखे ये बस छोटा सा इंटरव्यू आपसे मुलाकात का बहाना था फिर मैंने सोचा कि जिन चीजों की मुझे तलब थी मैंने वही सवाल पूछे मुझे मैंने ये नहीं सोचा अच्छा कि अच्छा हाँ मुझे ये नहीं था कि लो, लोगों को क्या देना है मुझे ये था कि मैं क्या जानना चाहता हूँ मेरे तो लिए ये बहुत ज्यादा की बात है दो पेंटिंग है जी, तो जाते जाते इनका भी थोड़ा सा बता दीजिए आपके जो ये अच्छा तो पे मैंने काफी काम किया तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है माशा ये कितना लगा इसको करने में इसको डेज पंद्रह दिन जी अच्छा मैं समझ रही शायद इसमें कई माह लगे होंगे नहीं नहीं इसलिए कि क्योंकि मैं तकरीबन तीन चार घंटे सोती हूँ मैं हर टाइम काम कर रही होती हूँ अच्छा अच्छा तो वो तो तीन चार महीने काम नहीं हो ना। से थकती नहीं हूँ तीन चार महीने हो गए ना आम आदमी के तीन चार महीने हो गए जी आ, जी बिल्कुल और आपके राइट लेफ्ट पे जी ये सूर्य रहमान है अच्छा तो पूरी सूरत जी पूरी सूरत तो नहीं है हाँ। लेकिन लोग कहते हैं तो इस साइज में भी पूरी सूरत कर सकती हूँ अच्छा। इसको थोड़ा अगर मैं छोटा लिखूंगी छोटे प्राइस से हाँ। तो फिर पूरी हो जाएगी अच्छा एक इम्पोर्टेंट में था निकल गया अभी आया दोबारा आप ये पेंटिंग बनाती हैं फिर आगे, आगे आप आपके कस्टमर्स भी हैं वो ले लेते हैं आपने अभी तक अपनी कोई किताब लिखी है जिसमें जितना काम किया हो जितनी पेंटिंग्स आप की हैं उसमें आप भी जाएं आपका जो ये सफर है इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल तो वो सारी चीज़ तो किताबी शक्ल में आपका कोई डिस्प्ले है काम मैं सोचती तो हूँ लेकिन अभी इतनी बेशुमार पेंटिंग्स मैं कहती हूँ कि कोई अगर पूछे तो मैं क्या बताऊँ कि मैंने कितनी मैंने उसको गिना ही नहीं है मैंने इतनी पेंटिंग्स बनाई हैं तो अगर मैं पूरा डाटा अभी निकालूं इन तीन सालों का ही तीन चार सालों का तो वो हजारों में होंगी तो हम हम यू कर लेते हैं ना मैं आप, आपको एक हम्बल सा एक मशवरा दे देता डिसीजन आपका अपना है है कि अभी जो जो भी पेंटिंग आपके पास है या जो आगे बनेंगी वो जब कंप्लीट हो जाए तो उसकी फोटोग्राफ बना लें प्रोफेशनल ठीक है ताकि कल को आप कोई किताब जब इस पे लिखेंगी तो वही फोटोग्राफ उसमें ऐड हो जाए जी, वो आपकी कैटलॉग भी बन जाएगी और एक आपका रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि आपने इस तरह से तस्वीरें बनाई हैं तो वो एक बहुत अच्छी आपकी जो अचीवमेंट है ना अल्लाह ताला का इसको यूँ समझिए अल्लाह तला का फजल और करम जो है जी। वो किताबी शक्ल में प्रिजर्व हो जाएगा ना तो अगली नस्लों के काम आएगा बिल्कुल ये आदमी तो अच्छी आज है कल नहीं होगा जी बिल्कुल तो आपकी ज़ात की शक्ल में अल्लाह पाक ने जो करम आप पे किया वो आइंदा आने वाले आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है आपकी कोई अपनी लेगेसी है तो वो उम्मत के लिए आगे तोहफे के तौर पर मुंतकिल हो जाएगा हमारे बुजुर्ग अगर किताबें ना लिखते तो हमें आद इस्लाम का तो पता ही नहीं चलना था बिल्कुल तो वो किताबी शक्ल में जो हमारे इस्लाम की रवाज है इस्लाम का एक ट्रेडिशन है कि हम इल्म और फ़न को महफूज करके अगली नस्लों के लिए अमानतन आगे डिलीवर करते हैं तो वो उसमें आपका मिलता है तो थैंक यू सो मच अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और उम्मीद है कि दोबारा भी मुलाकात तो होगी किसी और ठीक है बहुत शुक्रिया हाफि